हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और बाहर में धूप इतना कड़ा है कि लग रहा है 10 बज गए हैं। धूप देख के लगता है बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, हालांकि लेट हुआ नहीं है, पर धूप देखने के बाद लगता है। अंदर का सब काम आज मैंने कर दिया है। आज मैं आपको अपना किचन का दिखा रही हूँ कि सुबह का मैं किचन का कैसे कैसे अरेंज करती हूँ। वही अभी साफ सफाई मेरा हुआ नहीं, केवल झाड़ू मैंने लगा दिया किचन का भी। सबसे पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद कोई काम करती हूँ। यहाँ चावल का बोरा मतलब 2-3 दिन से रखा हुआ था, आज मैंने टंकी में कर दिया है। जो बचा है उसको मैं बांध के रख दूँगी या फिर दूसरा टंकी में डाल के रख दूँगी। चावल रखने के बाद मैं आ गई हूँ अपना सफाई करने में। पहले मैं सूखा कपड़ा लगाऊंगी, उसके बाद मैं गीला कपड़ा लगाऊंगी। मेरा हमेशा का ये रहता है, पहले सूखा कपड़ा सब जगह लगा देती हूँ, उसके बाद गीला कर देती हूँ कपड़ा को। इसी कपड़ा को धो के ले आती हूँ बाहर से, तो इससे मैं साफ़ कर देती हूँ। और रोज़ का मेरा यही रूटीन रहता है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चाय भी मैंने अभी एक बार बन चुका है, मम्मी का मेरा एक बार हो चुका है, फिर उसके पापा भी नहा के आए हैं तो उनके लिए मैं अभी चाय बनाऊंगी। मेरा जो रहता है कि आपको सबको पता है कि मुझे चाय का ज़्यादा रहता है, तो मैं पी उसके पापा बनाती हूँ तब भी पी लेती हूँ, अपना मतलब मम्मी के साथ भी पी लेती हूँ एक बार, पर ज़रूरी मेरा सुबह एक बार रहता है। मम्मी के साथ जब पीती हूँ तब ज़्यादा ज़रूर रहता है। फिर उसके पापा के लिए बनाती हूँ तो थोड़ा सा चाय तो बनता नहीं है, उनका है कि ज़्यादातर वही बनाते हैं, दोबारा जब चाय बनता है तो वो दे देते हैं, तो फिर बस मेरा आदत हो गया, मैं पी लेती हूँ। इसके बाद सबसे पहले मैं चूल्हा को बाहर निकाल के साफ़ कर दूँगी। मेरा यही रहता है, मुझे अंदर से ज़्यादा बाहर निकाल के साफ़ करना ठीक लगता है। एक तो अच्छा ज़्यादा साफ़ हो जाता है, कैक सरफ डाल के साफ़ करते हैं तो नया नया लगता है, दूसरा टाइम भी मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं लगता है। क्या है कि बाहर का बर्तन जैसे बाल्टी साफ़ करना, भरना ये तो रहता है, टंकी साफ़ करना, उसके साथ ये भी काम हो जाता है। अब वो काम मैंने करके वहाँ मतलब कि साफ़ करके छोड़ दिया, बाहर में सूखेगा जितना देर में मैं अंदर में गीला कपड़ा करके ले आई हूँ। सूखा पहले लगा दिया था, अभी गीला करके ले के आई हूँ, तो गीला कपड़ा से सब जगह साफ़ कर दूँगी। इसका चूल्हा का तो यही रहता है मेरा, दिन में जितना मैं काम करती हूँ तो अपना मतलब कि कपड़ा साफ रखती हूँ, तो उसे पोंछते जाती हूँ, तो मतलब गंदा नहीं दिखता, नया नया दिखता है, अच्छा लगता है। मेरा आदत भी हो गया है दिन भर मतलब कपड़ा लगाने का। सबसे पहले मैंने इस चूल्हा को साफ इसीलिए किया है कि मैं एक साइड चाय चढ़ा दूँगी, एक साइड अपना काम करते रहूँगी, तो दोनों का मेरा साथ साथ हो जाएगा। चाय मैंने उधर चढ़ा दिया है, चाय मेरा अपना कम आंच कर दिया है, बनते रहेगा। क्या कि पीयूष के पापा पूजा करें उनको टाइम लगेगा, इसलिए मैं कम करके छोड़ देती हूँ, कम आंच में मेरा होते रहेगा जितना देर में मेरा ये वाला काम भी हो जाएगा। ये वाला वीडियो मेरा मतलब कि पहले दिन का है, सैटरडे का, यह सुबह का है। इसके बाद मैंने दूसरा शुरू किया था, दूसरा बनाया था, मैं उसी में ये ऐड कर देती पर बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने दो अलग अलग किया है। वो वाला मेरा कल चला गया था, ये पहले बना था, वो बाद में जाएगा। वो भाभी का मैरिज डे वाला पहले चला गया है, क्योंकि कल का थोड़ा सा थकान भी ज़्यादा था आज। बस इसी समय मैं खाने में लग जाती हूँ, जैसे दाल भिगो के रख दूँगी, उसके बाद सब्जी काटना यही सब काम, मतलब चाय पीऊँगी तब सब्जी भी काटूँगी, जो मैंने आपको बहुत बार बताया है। अभी करती हूँ मैं एक साथ सब काम, सब कोई करते हैं, मैं अकेली नहीं करती, सब कोई एक साथ काम करते हैं, मेरा यही नहीं है। जब मैं आज वही जोर कर रही हूँ, तब आज है 11 जुलाई। 11 जुलाई का दिन मेरे लिए बहुत खास है। क्या है कि 11 जुलाई के दिन मैंने चैनल अपना शुरू किया था, आज पूरा 1 साल हो गया है। 1 साल में मेरा चैनल मोनोटाइज भी हो गया है, उसमें बहुत ऑप्शन मुझे मिल भी गया है, जैसे सुपर चैट का, ज्वाइंट बटन का, सब ऑप्शन मुझे मिल भी गया।
मैंने सेलिब्रेट इसीलिए नहीं किया है क्योंकि कल लक्की का बर्थडे है 12 जुलाई का। आज मेरा कोई वीडियो भी नहीं बना है इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया है। लक्की का बर्थडे होगा कि एक बार पहले कर चुका है, फिर भाभी का मेरिज डे में, फिर अभी लक्की का बर्थडे में, इसीलिए मैंने आज नहीं किया है। देखती हूँ आगे होगा तो करूँगी। उसके बाद मैं लग गई हूँ अपना नाश्ता बनाने में। चाय हो गया है, बहुत देर बाद आई हूँ मैं किचन में, ऐसा नहीं तुरंत आ गई हूँ। अभी 9 बज रहा होगा, चाय पानी पी लिया मैंने, सब्जी काट के लेके आई हूँ तो चाय पी के आई हूँ। मैं इस समय बनाती हूँ सूखा सब्जी, बनाने का कोशिश करती हूँ कि बच्चों के टिफ़िन में दे सकूँ। बच्चों का ये रहता है जैसे थोड़ा सा भी सब्जी रहता है तो टिफ़िन में निकल जाता है। मेरे बच्चों का जिद यही रहता है जो बड़ा टिफ़िन है वो नहीं लेके जाना है, जो एक टिफ़िन है वही लेके जाना, उसी में सब्जी उसी में रोटी सब हो जाना चाहिए। अलग अलग उसी में कर दूँगी, उसी में लेके जाएगा। लक्की को तो वैसे भिंडी का सब्जी थोड़ा कम पसंद है तो वो अचार इसी के साथ ले लेगा। ये है, मम्मी का डर रहता है तो सब्जी ले तो जाता है, डर के मारे थोड़ा सा खा भी लेता है। पीयूष को तो पसंद भी है भिंडी का सब्जी, वो यहाँ भी खा लेगा नाश्ता में भी और ले के भी चला जाएगा। पीयूष का ये नहीं है, लक्की को थोड़ा कम पसंद है तो वो अचार ले के जाएगा। इसके बाद लक्की तैयार हो रहा है तो इसको जब जब ज़रूरत रहता है तो मेरे पास आता रहता है। इससे जो काम नहीं होता तो मैं यहाँ कर देती हूँ, आवाज़ देता है अगर फुर्सत होता है अंदर जाके कर देती हूँ, नहीं तो यहीं आ जाता है क्योंकि लेट होते रहता है ना इसलिए। या मेरा नाश्ता तैयार हो रहा है, दोनों तैयार हो गए हैं तो मैं पहले इनका नाश्ता निकाल के दे दूँगी, उसके बाद टिफ़िन दोनों का तैयार कर दूँगी, फिर सबके लिए मैं नाश्ता बना के अभी रख दूँगी। ऐसा नहीं है कि बार बार बनाऊँगी, क्या इतना ज़्यादा गर्मी है कि किसी को गर्म खाने का मन नहीं रहता है। अभी मम्मी का हुआ नहीं, मम्मी अपना अंदर में पूजा कर रही है। मेरा यह है कि काम अभी बहुत बाकी है, पहले नाश्ता बना दूँगी उसके बाद, मतलब कि नाश्ता बनाने के बाद सबसे पहले तो ये स्कूल जाएंगे तो मुझे दुकान देखना है, फिर आने के बाद मैंने कपड़ा धोना है। हालांकि कपड़ा मैंने सर्फ में डाल के छोड़ दिया है तो थोड़ा धोने में आसान रहेगा। गर्मी से मेरा इस समय हालत ख़राब है, देख रहे हैं पसीना कितना ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद पीयूष से थोड़ा बहसबाजी सुबह सुबह मेरा चलता ही है। आप देख भी रहे हैं कि टिफ़िन ये एक दिन में भी तोड़ के ले आया है, फिर मैं आपको पास करके भी दिखाऊं क्या कि अब टूटा हुआ टिफ़िन तो इसको ले जाने का मन नहीं है तो बोल रहा मम्मी कैसे लेके जाऊँ, तो दूसरा वाला डिब्बा में मैंने इसको सेट कर दिया। मैंने बता रही हूँ ये देखिए, एक दिन लेके गए, एक दिन में ये टिफ़िन तोड़ के ले आया, पता नहीं कैसे तोड़ा है कैसे नहीं, ला के अंदर रख दिया था, बताया भी नहीं। फिर मैंने देखा है तब पूछ रही हूँ कि बाबू कैसे तोड़ दिया, तो बोला बैग नीचे गिर गया था तो टूट गया। बच्चों को कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि देखिए लक्की का छोटा वाला टिफ़िन रखा हुआ तो उसी में इसके लिए मैं नाश्ता करूँगी पैक। अभी 1 बज रहा है, अभी मैं सब काम मतलब ख़त्म करके आके बैठी हूँ। अभी मेरा काम है एडिटिंग करना, पूरा वीडियो ख़त्म होने वाला है, सुबह से वीडियो बन रहा है, मेरा बात नहीं हुआ है। जब बच्चे स्कूल जाते तब यही होता है, क्योंकि सब काम जल्दी जल्दी करना पड़ता है, ऐसे तो लेट हो तो कोई बात नहीं। सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ कोई नया नहीं है, सबका यही है रूटीन, यही हो रहा है। बच्चे स्कूल जाते तो थोड़ा काम जल्दी जल्दी सबको करना पड़ता है, भाई मेरे साथ भी हो रहा है। बाहर में कोई आया है तो उनसे बात हो रहा है, मम्मी भी उसके पापा बात करें तो उसका आवाज़ भी आ रहा होगा। मेरा यही रहता है, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकती, बाहर का आवाज़ तो वीडियो में आता ही है, उसके लिए सॉरी। अभी पीयूष लक्की को हो गया है 2-2.5 घंटा, उनका तो मतलब कि लंच हो भी गया होगा, मेरा तब जाके काम ख़त्म हुआ है। अभी मेरा वीडियो का एडिटिंग वाला काम शुरू होगा, नाश्ता पानी मेरा भी हो चुका है, सबका हो चुका है, मेरा तो अभी हुआ है 12:15 बजे लगभग, क्या कि काम रहता तो मेरे से होता नहीं बहुत बार, यही है। उसके बाद जब मैंने वीडियो शूट किया था उसके बाद बहुत काम कर लिया है, मतलब पीयूष लक्की स्कूल गए तो मैं दुकान में बैठी 1/2 घंटा, फिर आके मैंने कपड़ा धोया है, उसके बाद मैं फिर से दुकान में गई,
दुकान में, मतलब कि फिर उसके पापा बाजार गए तो फिर से मुझे आधा घंटा जाके बैठना पड़ा। तो उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैंने खाना बनाया। खाना में तो वैसे तो मैंने सब्जी डाल लिया तो सब पले बना के चले जाते, केवल चावल बनाना रहता है। वहाँ से आने के बाद मैंने चावल बनाया है, अपना नाश्ता हुआ है, अब जाके सब काम मेरा कम्प्लीट है। कपड़ा धोया तो कपड़ा सूख भी गया होगा, एक घंटा धोए कपड़ा, इतना ज़्यादा तेज़ धूप है कि आंगन पूरा जलता है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। सुन रहे जुलाई जुलाई बरसात नहीं होगा, बरसात होता तब भी अच्छा नहीं लगता, नहीं होता तब भी अच्छा नहीं लगता है। ये गर्मी का समय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठंड हो तो अपना कपड़ा पहन के रहो, कोई बात नहीं है। गर्मी में तो कहीं भी मन नहीं लगता है कोई भी काम में, ना ही खाने में, ना ही कपड़ा पहनने में, ना ही कोई चीज़ में, मतलब कि उतना ज़्यादा। हालांकि मेरा ये वाला रूम ठंडा रहता है, जब खिड़की बंद करके पंखा चालू कर दूँगी तो बहुत अच्छा ठंडा रहता है ये वाला, दोपहर में भी, क्योंकि उसके ऊपर में बहुत बड़ा पेड़ है इसीलिए इसका छत ठंडा रहता है, तो ये रूम भी मेरा ठंडा रहता है। उधर वाला भी रहता है पर उससे ज़्यादा ये वाला रूम मेरा सबसे ज़्यादा ठंडा।